हेलो एवरीवन, मैं ऋतु मिर्चल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किस उम्र में औरतें सबसे ज्यादा उत्तेजित होती है, या फिर ये एक सवाल हो सकता है कि औरतों को जोश किस उम्र में आता है। सवाल ये भी हो सकता है कि फीमेल पार्टनर सबसे ज्यादा सेक्स के लिए कामुक किस एज में होती है, या फिर सवाल ये भी हो सकता है कि औरतों को किस उम्र में सबसे ज्यादा आसानी से सैटिस्फाइड किया जा सकता है। चलिए, इन सारे क्वेश्चन का जवाब मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। वीडियो शॉर्ट होगी, इन्फॉर्मेटिव होगी, तो अंत तक जरूर देखिए। और हाँ, अभी से ही लाइक बटन को प्रेस कर दिए, बस आई मस्ट श्योर ये वीडियो आपको पसंद होने ही वाला है। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। देखिए दोस्तों, जिनको औरतों के साइकोलॉजी के बारे में पता नहीं होता, वो बताएंगे कि सबसे ज़्यादा लड़कियां कामुक तो भाई टीनेज एज में होती है। जाहिर सी बात है, उस उम्र में सेक्सुअल डिज़ायर एक्चुअली एक हाई लेवल पे होता है, पिक लेवल पे होता है। बट फीमेल की साइकोलॉजी सेक्सुअल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी अलग है पुरुषों से, क्योंकि फीमेल उस उम्र में उसकी बॉडी में डिज़ायर तो सबसे ज़्यादा होती है, बट उसके साथ उसमें डर सबसे ज़्यादा होता है। उसको सेक्स एजुकेशन का कोई नॉलेज नहीं होता, उसको प्रेगनेंसी सेक्स बिफोर मैरिज इसका डर होता है, समाज का डर होता है, और होना भी चाहिए। आई बिलीव कि होना चाहिए, बिकॉज अगर आपको सेक्स एजुकेशन की सही जानकारी ना हो तो अबॉर्शन जैसे प्रॉब्लम्स, मिसकैरेजेस जैसे प्रॉब्लम्स और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हो। और उस उम्र में इसकी तरफ चला जाना मतलब कि एजुकेशन को ख़राब करना, अपने करियर को ख़राब करना। तो उस उम्र में लड़की अगर इस तरह फोकस ना हो तो अच्छी ही बात है। तो फिर इस उम्र में अगर नहीं है तो फिर कौन सी उम्र में? जब लड़कियाँ ऑलमोस्ट 25 से 35 या फिर 20 क्रॉस कर लेती है, 25 क्रॉस कर लेती है ना, उस एज में सबसे ज़्यादा लड़कियाँ सेक्स के लिए कामुक होती है। सबसे ज़्यादा वो अपनी बॉडी को समझती है और सबसे ज़्यादा वो डिज़ायरेबल भी इसी उम्र में होती है। अब बात करोगे, बोलोगे मैम 35, उसके बाद तो फिर मेनोपॉज आ जाता है। रुकिए भाई, धैर्य इतना कम होना अच्छी बात नहीं, आगे देखिए वीडियो, बताएंगे। देखिए दोस्तों, एक्चुअली क्या होता है कि 20 के बाद ना लड़कियाँ शादी कर लेती है, उसके बाद फिर एक दो साल में बच्चा हो जाता है। तो शादी के बाद बच्चा, करियर, ये सारी चीज़ों के चक्कर में ना, शादी के बाद क्या होता है, अगर पति के साथ मनमुटाव हुआ या फिर शादी के बाद ही अगर बच्चा आ गया, तो उस एज में भी सेक्सुअल डिज़ायर जो होता है वो दब जाता है। बच्चा होने के बाद फिर पोस्टमार्टम डिप्रेशन, पोस्टमार्टम स्टेज, ये भी उसके सेक्सुअल डिज़ायर को दबा देता है। एक बच्चा होने के बाद जब एक्चुअली लंबे समय तक सेक्सुअल लाइफ को लीड करने के बाद सेक्स की जो भूख है वो औरतों में बढ़ती रहती है, जो उसके अंदर उत्तेजना है वो बढ़ती रहती है। 25 से लेके 35 या फिर 20 से लेके 30-35 की बात मैं इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि उस एज में फीमेल फ्री होती है थोड़ी बहुत इन सारी चीज़ों से। वो काफ़ी लंबे समय तक सेक्सुअल लाइफ में रहती है, तो सेक्सुअल डिज़ायर क्या होता है, इसकी प्लेजर क्या होती है, इसकी जो सेटिस्फेक्शन है वो क्या होती है, पति का छूने से क्या फील हो रहा है, कौन सी चीज़ों से मुझे अच्छी फीलिंग आ रही है, इन सारी चीज़ों में थोड़ा बहुत फोकस आना शुरू हो जाता है। और रही बात पुरुषों के भी ना दोस्तों, सेक्सुअल डिज़ायर रहने से ही हर चीज़ अच्छी नहीं होती। पुरुष भी धीरे धीरे परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हुए थोड़े समय बाद एक स्टेज में आने के बाद उसका भी परफॉर्मेंस बेटर होता है। कोई भी पहले दिन में ही रेस का घोड़ा नहीं बन जाता, धीरे धीरे उसकी परफॉर्मेंस बेटर होती है। तो जैसे पुरुषों को भी परफॉर्मेंस बेटर होती है, वैसे ही औरतों की जो सेक्सुअल डिज़ायर होती है ना, वो भी एक स्टेज तक आते आते इम्प्रूव हो जाता है। औरतें मैच्योर हो जाती है, बोल्ड हो जाती है। मैं उन औरतों की बात नहीं कर रही हूँ जिसको दूर दूर तक इसकी कोई नॉलेज नहीं है, वो सेक्स को सिर्फ एक ड्यूटी मानती है कि पति चढ़ गया और उतर गया, बस मेरा काम खत्म। शायद ये वीडियो उन औरतों के लिए नहीं है, ये वीडियो उन औरतों के लिए है जो अपनी काम वासना को समझती है, पति के छूने से उसको अच्छा फील होता है, पति के साथ सेक्स करने से उसको अच्छा फील होता है। पति अगर बोल दे कि आज बेडरूम को डेकोरेट करके रखना, तो हो सकता है वो अच्छी फील करे कि आज तो बहुत बढ़िया कुछ होने वाला है। तो ये जो अपने सेक्स लाइफ में इम्प्रूवमेंट चाहती है, इम्प्रूवमेंट रखती है, जो
एक्चुअल सेक्स को समझती है उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि कनेक्ट कर पाएंगे मेरे साथ कैसा क्यों होता है। बच्चा होने के बाद ना टेंशन फ्री हो जाते हैं लोग, एबॉर्शन के प्रॉब्लम्स खत्म हो जाते हैं, और काफ़ी जो कपल्स होते हैं ना वो मैच्योर हो जाते हैं, इसीलिए वो कंट्रोल सेक्स में जो कंट्रोल होता है हाँ कि अनवांटेड सेक्स ये सारी चीज़ों से वो फिर बाहर बड़ी हो जाते हैं। पुरुषों में काफ़ी कंट्रोल पावर आ जाती है, इसलिए वो इजैकुलेशन में भी अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं, जिसकी वजह से औरतें ना फ्री हो जाती है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूंगी। अगर आपको जल्दी गिरने की समस्या है, आपका बहुत ही जल्दी गिर जाता है, बेड पे आप बिल्कुल भी लंबा नहीं टिक पाते हो, ना आप खुद सेटिस्फाइड हो पाते हो, ना आप अपने फीमेल पार्टनर को सेटिस्फाइड कर पाते हो, तो आप जोस्टिक कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हो। ये एक ऐसी आयुर्वेदिक सप्लीमेंट है जो तेजी से आपके जल्दी गिरने की समस्या को ठीक करने में मदद करता है। इसमें अश्वगंधा, सफेद मुसली, अकरकरा, शतावरी, कंचबीज, शिलाजीत, सलाम पंजा, गोक्षुरा, काली मुसली, तिवांग वसम और लौह वसम जैसे इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं, जो आपके जल्दी गिरने की समस्या को तेजी से सॉल्व करने में मदद करता है, और साथ ही साथ ये आपके हाइपर सेंसिटिविटी को भी रिड्यूस करने में मदद करता है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके लिंक मिल जाएगी, आप चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज स्क्रीन पे जो नंबर है उस पर कॉल करके भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। उसको पता होता है कि प्रेगनेंसी ऐसे प्रॉब्लम से मैं काफ़ी दूर हूँ, तो वो चीज़ों को खुल के इंजॉय कर पाती है, क्योंकि शादी के शुरुआती दिनों में नहीं होता। शादी के शुरुआती दिनों में वो डरी डरी रहती है कि कहीं मैं प्रेग्नेंट ना हो जाऊँ, कहीं मैं प्रेग्नेंट ना हो जाऊँ, और पुरुष होता है कि कहीं मैं अंदर डिस्चार्ज ना कर दूँ, तो इसीलिए दोनों ही अच्छी तरीके से सेक्स को इंजॉय नहीं कर पाते। बट एक टाइम के बाद वो सेक्स को इंजॉय करना शुरू करते हैं, औरतें मैच्योर हो जाती हैं, वो अपनी बॉडी को समझती है, वो जब अपने ही योनि को टच करते हैं, छूते हैं, तो उनको सेंसिटिविटी महसूस होती है। और आज तो ऑनलाइन या फिर ये इंटरनेट इतना सस्ता हो गया कि ये सारी चीज़ें काफ़ी कम उम्र में ही लड़कियां समझ लेती हैं, जिसकी वजह से जब एक सर्टेन एज में वो आते हैं ना, तब तक आते आते उनकी बॉडी मैच्योर होती है, वो खुद मैच्योर होते हैं, सेक्स की नॉलेज होती है, और उससे मिलने वाले सेटिस्फेक्शन की भी उनको आइडिया हो जाती है ऑलमोस्ट इस एज में। इसीलिए आप एक चीज़ को गौर करना कि ये 25-30 में ही अक्सर जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं, जो औरतों की तरफ से होता है, वो इसी एज में होता है, वो टीनेज एज में नहीं होता, या फिर कम उम्र में नहीं होता, ज़्यादा उम्र में नहीं होता, वो ठीक इसी एज में होते हैं। अगर उनको अपने पति से सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, या फिर अगर किसी भी तरीके से दोनों के बीच बॉन्डिंग नहीं बन रही है, तो औरतें अक्सर इसी उम्र में एक्सट्रामैरिटल अफेयर में फंस जाती है, जिनकी कामुकता बहुत ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, अगर आप और आपकी वाइफ एक्चुअल इसी स्टेज में होना, तो इस स्टेज को बहुत ज़्यादा इंजॉय करो। काफ़ी सारे पुरुष ये बोलेंगे, मैम आप बता रहे हो कि 25 से 35 के बीच की जो एज होती है, इस एज ग्रुप में औरतें सबसे ज़्यादा कामुक होती है, बट मेरी बीवी तो हाथ तक नहीं लगाने देती। मैंने शुरू में ही कहा था वीडियो के कि औरतों की सेक्सुअल साइकोलॉजी अलग है, औरतें मेंटली सोचती हैं हर चीज़ों को, तो हो सकता है आपके साथ आपकी वाइफ की जो बॉन्डिंग है ना वो उतनी अच्छी नहीं है। सारा दिन अगर बीवी के साथ खिटर पिटर करते रहोगे तो आप एक्सपेक्ट कैसे करते हो कि रात को आके आपकी बीवी कपड़े खोल के फैला देगी अपने आप को, ऐसा नहीं होता। औरतें सेक्सुअल रिलेशनशिप को इमोशनल बॉन्डिंग के साथ जोड़ देती है, इसीलिए अगर आप चाहते हो कि आपकी सेक्स लाइफ बढ़िया हो या फिर इम्प्रूवमेंट आए, तो दोस्तों अपनी वाइफ के साथ मेंटल बॉन्डिंग थोड़ा बढ़ा। हो सकता है कि आपका काम का प्रेशर रहता है, आप काम ही ऐसा करते हो कि आप बहुत स्ट्रेसफुल रहते हो, बट एक चीज़ का ध्यान देना ज़रूरी है कि अपनी पर्सनल लाइफ और अपने प्रोफेशनल लाइफ को हमेशा अलग से लीड करना ज़रूरी है। ये हर इंसान को आना चाहिए, क्योंकि वो नहीं समझ रही है कि आपके अंदर क्या चल रहा है, वो समझ रही है कि अब उसका मुझसे प्यार नहीं है, अब वो सिर्फ मेरी बॉडी के लिए मेरे पास है, अब उसको मुझ पे इंटरेस्ट नहीं है। ये सारी चीज़ें ना औरतें ले लेती हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे वो आपसे मेंटली दूर हो जाती है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी सेक्सुअल लाइफ, आपकी बेडरूम लाइफ इम्प्रूव हो, तो अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करो। आई मस्ट श्योर आप धीरे धीरे ये चीज़ नोटिस करोगे कि आपकी सेक्सुअल लाइफ भी काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, यस डू सब्सक्राइब ऑल्सो, अगर आप ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो रोजाना देखना चाहते हो। थैंक यू, बाय बाय।